जब राहुल जी 14 जनवरी से मणिपुर से चलकर आज मध्य प्रदेश में आए हैं, मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिस राज्य में देश के लिए कुर्बानी देने वाले महानायक चंद्रशेखर आजाद जी का भी यही जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। टटिया भील जी इसी मध्य प्रदेश के थे, भीमा नायक ये भी इसी मध्य प्रदेश से थे और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भी इसी मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियां इस मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं, देश के लिए लड़े हैं और आजादी लाने में उनका काम बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं कहूंगा एक पवित्र भूमि है और लड़ाकू एरिया है और सारे राष्ट्र के लिए काम करने वाला मध्य प्रदेश है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आज हर तरफ गड़बड़ी है और इससे पहले भी गड़बड़ी करते ही रहे थे। मुझे एक आश्चर्य हुआ, जो भी कोई मेरे गुलबर्गा एरिया में आता है कुछ ना कुछ अपशब्द हमारे बारे में बोल के चले जाता है। परसों एक 15 दिन पहले शिवराज चौहान जी गुलबर्गा आए थे, उन्होंने कहा कि राहुल जी और खड़गे जी मिलके कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के लोग मुझे पूछे कि शिवराज जी चौहान ऐसी बात कही, तब मैं उनसे यही कहा भाई कोई अगर बीजेपी वाले यहाँ है और मीडिया के लोग फिर से अगर उसको मिलते हैं तो आप पूछो कि शिवराज चौहान को क्यों निकाला गया, क्या कारण था। पहले तुम्हारा बोलिए ना, क्या तुम्हारे को बीजेपी खत्म हो रही है इसीलिए निकाले या आपको नजदीक नहीं आने दिए मोदी, इसका कारण क्या है बताओ, बाद में हम अपना उत्तर देंगे। शिवराज सिंह ये भूल गए हैं, व्यापम घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का बड़ी घोटाला हुआ, हम पार्लियामेंट में उठाए, हम लोग बार बार कहते रहे लेकिन शिवराज सिंह उस वक्त कुछ नहीं कहे। अब हमारे बारे में कहते हुए वो आए, ठीक है। अब एक तरफ मोदी, एक तरफ अब शिवराज सिंह जिनको इंचार्ज कर्नाटक में भेज के उन्होंने बनाया है, तो अपनी बात कहना है तो कह रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये जल जंगल और जमीन ये जो कब्जा कर रहे हैं लोग, इसको आप रोकना चाहिए। रोकने के लिए आपकी एकता की जरूरत है और ये कहना चाहिए कि ये जंगल जमीन और जल ये हमारा प्रॉपर्टी है,
ये आपका और मोदी जी का नहीं है, इसको हम बेचने नहीं देंगे, इसे हम बेचने नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। अब आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आज आपको ये भी कहना है भाई, मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे खारिज किए, 3 लाख जो पट्टे जिनको मिला था, मिलने वाला था, उसको उन्होंने खारिज किया। ये गरीबों के लिए काम करने वाले हैं। जो लोग हमारे पट्टे खराब, पट्टे कैंसल करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। उतना ही नहीं, बीजेपी सरकार हमेशा गरीबों के बारे में ज्यादा आजकल बात कर रही है। मैं पूछता हूं मोदी जी को, जब यहां आते हैं आप भी पूछिए, जब शिवराज की सरकार थी, एक शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब किया गया, उसको को आपने शिक्षा दी? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में इनके जमाने में पेशाब किया गया? बाद में मैं देखा उस बच्चे को, उस व्यक्ति को घर में लाके उसका पैर धो रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। अरे बाबा, उसको पहले खाना दो, ये जो अछूतपन है उसको निकाल दो, जो गरीब है उसको कुचलने का छोड़ दो, बाद में पैर धो। पैर धोने से कोई खुश होता है? उसकी जितनी अपमान करना था आपने अपमान किया, उसको मनुष्य नहीं समझा, आपको आदमी नहीं समझा आपने। और कोई लोग उसके पैर धोने से, वो भी नकली था कि असली था मुझे मालूम नहीं, किसको लाए थे, किसको बिठाए थे, और इनो भी बैठे अपना ऐसा टावेल लेके ऐसा ऐसा करते बैठे उसके सामने। ये है शिवराज। और ये हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के एक होते हैं, उसमें यही शिवराज है, यही बीजेपी है ये। अब है सो उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, अब राहुल जी या हमारे मंच पे बैठे हुए कहेंगे कि देखिए, गरीबों के लिए लड़ने वाले सरकार होना चाहिए, ये नहीं शो करने वाले, दिखाने वाले। शुरू शुरू में तो शाह, मोदी जी, उनके लोग तो पहले पीरियड में शेड्यूल कास्ट के घर में, दलितों के घर में जाके खाना खा रहे सो बताते थे लोगों को। अरे भाई, उनके घर में जाके खाना खाए ये बड़ी बात हो गई? तो इंसान नहीं है वो? ऐसी आपकी मानसिकता है, उनके घर में खाना खाए तो अछूतपन निकल गया, ये सोच वाले हैं। मैं ये कहूंगा, कोई कुछ भी कहने दो, जब तक इस देश में ये वर्णाश्रम रहेगा, ये 4 वर्ण रहेंगे, तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े लोगों का उद्धार नहीं होगा। इनका उद्धार अगर होना है
एक ही काम हमको करना है, जो राहुल जी ने बार बार उठाया हम भी उठाए, जनगणना करना चाहिए। कौन कितने पानी में है, कितना धन किसके पास है, किसके पास एजुकेशन है, जमीन किसके पास है, ये सब उस जनगणना में मालूम होगा। पिछड़े हुए लोग उनका भी मालूम होगा, जो अपर कास्ट है उनका भी मालूम होगा, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका भी मालूम होगा। तो आज सरकार, केंद्र सरकार क्यों डर रही है, क्यों वो जनगणना करना नहीं चाहती? इसलिए कि उनका पोल खुल जाएगा, और वो पोल खुल गया तो युवा जागृत हो जाएंगे। तो हमको ये करना है, हमारे राहुल गांधी जी ने ये वायदा किया है कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो पहला काम हम करेंगे जातीय जनगणना प्रारंभ करेंगे, ताकि सबको फायदा हो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था, लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं, और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी, और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो बीजेपी के, और ऊपर से और यहां लोग बीजेपी में लड़ते रहते हैं, लोग एक को निकालना एक को रखना सब करते रहते हैं, और मोदी जी हमेशा अपनी बात करते हैं, और हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी, वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है, या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके और आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या, आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा, हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना, तो कौन झूठ बोल रहे है? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा MSP का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने?
फिर कौन झूठ बोल रहे है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं, आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है, मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। इसीलिए वो हमेशा हमारे गरीबों के खिलाफ ही अपना डंडा उठाते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, अरे जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको कुचलने का काम करते हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर लगा लगा के यहाँ के लोगों को लेकर भागती है। जीती हुई सरकार हमारी थी लास्ट टाइम, जब राहुल जी खुद हर जगह जाके उन्होंने यहाँ पर कामयाब एक सरकार तैयार की थी, यहाँ के एमएलए को खरीद परोस करके उन्होंने हमारी सरकार गिराई। तो ये जीतने के बाद भी गिराने वाले लोग ये बीजेपी के लोग हैं, और यू नो बात बढ़िया करते हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या अर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो, क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर हर घोटाला हुआ, व्यापम तो है ही है, फिर उसके बाद उज्जैन महाकाल का घोटाला, भगवान के नाम पे भी घोटाला चलते हैं मध्य प्रदेश, और
उसके बाद भ्रष्टाचार तो है, लेकिन यही लोग हम लोगों को हमेशा यही बोलते, कांग्रेस सरकार ठीक नहीं, कांग्रेस सरकार एक ही भी। और एक बात आपको बताता हूं, मीडिया का रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है, मीडिया के रिपोर्ट में, सीएजी के रिपोर्ट में ये आया है, कम से कम बीजेपी की सरकार कहां कहां है, केंद्र में हो राज्य में हो, उन्होंने 8,50,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। ये सीएजी रिपोर्ट में, मीडिया के रिपोर्ट में, आप पूछिए किसको भी, इतना रहते हुए भी ये लोग ऐसा समझते हैं हम बड़े पाक हैं। और हर पार्टी के लोगों को वो ले लेते हैं अपने पास, लेने के बाद पहले तो बोलते हैं करप्ट है, ये कलंकित है बोलते हैं, लेकिन उनको बीजेपी में जाने के बाद उसमें खास करके हमारे जो शाह है होम मिनिस्टर, जिन्होंने ईडी सीबीआई रख लिया, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी रख ली, ये नेता सबको अंदर लेते हैं, उनके पास होम मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन, उसमें ये कलंकित लोगों को डालने के बाद वो सब क्लीन हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। अरे भाई, कल तक तो वो करप्ट था, कल तक तो जब तक कांग्रेस में था उसको गालियां देते थे, फिर अब क्यों आए भी? तुम्हारे वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए? ऐसा देश को लूटने वाले लोग, देश के लोगों को भ्रमित करने वाले लोग, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए और हम सब लोग एक होकर काम करना चाहिए। और मैं चंद बात गारंटी, जब कभी भी राहुल गांधी जी किसी राज्य में जाते हैं, उन्होंने गारंटी दी, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, आज जो गारंटी उन्होंने दी थी वो गारंटी हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया, चाहे वो 5 गारंटी कर्नाटक के हो, 6 गारंटी तेलंगाना के हो, हमने किया। और हमारी सरकार केंद्र में अगर आएगी, हम जो गारंटी हम दे रहे हैं, एमएसपी का लीगलाइज गारंटी, युवाओं के लिए जो गारंटी हम दे रहे हैं उसकी घोषणा राहुल जी करेंगे, और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे जो भी गारंटी है वो हम दिला के रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो जरूर हम दिलाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भाइयों, मैं एक ही बात आपके सामने कहकर अपना बात समाप्त करता हूं, क्योंकि वक्त भी बहुत हुआ, राहुल गांधी जी भी बात करने वाले हैं, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। मोदी ने क्या किया था? वायदे किए थे, वायदे पे वायदे, हर जगह जाते वायदे करते हैं, तो मैं एक वायदा उनका आपके सामने कहना चाहता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वादा किया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ, शाहों के शेर के लिए, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए तो सैर करने के लिए रास्ते तो बनाए गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हो गया, यानी जिसके छाले गिरे चल चल के पैर में, उसका क्या होगा? मोदी जी, ये वायदा पूरा करो,
जो दिया हुआ वायदा पूरा अगर नहीं करेंगे और नहीं करेंगे भी नहीं आप, आपको हटाया जाएगा, लोग हटाएंगे और आप बाद में पछताएंगे। तो ये आने वाले चुनाव में 2024 में तुम डट कर मुकाबला करना होगा, एक होकर मुकाबला करना होगा, ये देश के लिए, ये देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, देश के देश में एकता रखने के लिए और देश के संविधान को बचा कर रख कर आगे के पीढ़ी को राह दिखाने के लिए आप काम करना है। इसीलिए वह काम आप करेंगे, ये मैं कहकर मेरे बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।